सहरसा के शाहपुर में हुई हत्या मामले में मृतक के परिजनों से मिले पप्पू यादव वह जताई संवेदना। मिली जानकारी के अनुसार बीते कल सहरसा के शाहपुर निवासी शंभू यादव के 22 वर्षीय पुत्र की हत्या बाद मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों से मिल संवेदना प्रकट की। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि सूबे में लगातार खासकर सहरसा में महज हाल ही में 3-3 हत्याएं हुई, लेकिन इसकी चिंता किसी राजनीतिक पार्टी व सत्तासीन सरकार को नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को केवल अपनी सियासत की दुकान की चिंता है, जबकि आज पूरे बिहार में कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय की खबरें। 3-3 हत्याएं सहरसा में और इकलौते बेटे, अब मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा जघन्य और जुर्म अपराध क्या हो सकता है। इससे पहले भी वहाँ एक मर्डर हुआ, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ के लोग, हमारे परिवार के लोग कह रहे हैं कि इसके पहले भी उसी स्थल पर एक मौत घटना और घटी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सब कुछ बिल्कुल समझिए कि भेगाबॉन्ड हो गया है। मतलब कोई, मतलब समाज बचेगा, आम आदमी की सुरक्षा क्या होगी, आम आदमी कैसे जिएंगे, आम आदमी की खुशियाँ क्या होगी। बस एक ही चीज़ है, सियासत राजनीति इन लोगों की जिंदा रहनी चाहिए, लूट खसोट जिंदा रहना चाहिए, उसके अलावे आम जनता की सुरक्षा, आम आदमी की हिफाजत, उसकी खुशियाँ, इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी को और सत्ता को मतलब नहीं। सत्ता जिसकी भी रहे, बदलते रहे, आते रहे, लेकिन आम आदमी का जीवन कभी सुरक्षित नहीं है। और इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए कि सबसे पहले आम आदमी का जीवन सुरक्षा, एसपीडी ट्रायल जो लोग हैं उसको एसपीडी ट्रायल इसमें किया जाए। नेम्ड एफआईआर हुआ है और 4 महीने से 3 महीने के अंदर इसको फांसी की सजा।